नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन पंक्ति में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परवल की सब्जी, ग्रेवी वाली, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और इसे शादियों में, पार्टियों में बनाया जाता है। मैं इसे आज आपको कैसे बनाना है बताऊंगी, तो चलिए इसे बना लेते हैं। परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम परवल ले लिए हैं, जिसे कि इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। धोकर मैं आपको कैसे काटना है बता देती हूँ। ये नीचे और ऊपर दोनों साइड इसका पहले काट देंगे, उसके बाद इसे इस तरह पकड़कर इसे इस तरह तिरछा काटेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह सारे परवल को काट लेंगे। परवल के साथ और कौन कौन सी चीज़ें मैं मिक्स करूँगी वो भी आपको बता देती हूँ। ये काबुली चना है, जिसे कि मैंने रात भर भिगोकर सुबह इसे उबाल लिया है। प्रेशर कुकर में आप आधा गिलास पानी डालकर इसे 2 सीटी आने तक पका लें। ये सहजन के फल, जिसे कि मैंने इस तरह छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। 2 बड़े साइज के आलू, जिसे कि इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है। और थोड़ी सी गाजर इस तरह लंबाइयों में काटा है। ग्रेवी के लिए क्या क्या मसाला लगेंगे मैं बता देती हूँ। ये 2 बड़े चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 4 लौंग, 15 काली मिर्च, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ा इलायची, 4 सूखी मिर्च और 2 बड़े साइज के प्याज। इन सभी का फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार कर लिया है, इसी तरह फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तो चलिए अब सब्जी बनाना चालू करते हैं। मैंने हाई फ्लेम पे गैस पे एक कढ़ाई रख ली है, जिसमें कि मैंने 200 ग्राम तेल डाला हुआ है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, देखिए आप देख सकते होंगे इसमें धुआं उठने लगा है। इसी तरह इसे अच्छे से गर्म कीजिए। अब इसमें हम लोग अपना परवल डालेंगे। एक बार में जितना है उतना परवल डाल के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह बीच बीच में चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। परवल हमारा पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये देखिए। मुझे इसे पकाते हुए 8 मिनट लगे। अब इस तरह छन्नी की सहायता से इसे हम लोग निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखकर ही सारी चीज़ों को हम लोग फ्राई करेंगे। अब आलू को लगा लेंगे, इसे भी डीप फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आलू हमारा हल्का भुन गया है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसी समय हम लोग अपना कटा हुआ गाजर भी डाल देंगे। गाजर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इसलिए इसके साथ ही हम लोग इसे पका लेंगे। आप चाहे तो अलग से इसे फ्राई कर सकते हैं। हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है, देखिए अब इसे निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, मेरे को 4 मिनट लगे। अब सहजन के फल को तलेंगे, इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रख लेंगे। इसे अगर ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो ये ठीक से नहीं हो पक पाता है, तो इसीलिए इसको हल्का ही भूनेंगे। सहजन के फल भी हमारे अच्छे से पक गए हैं, बस इतना ही इसे भुनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसे भुनने के लिए मेरे को सिर्फ 1 मिनट लगा, लगातार चलाते हुए आप इसे सिर्फ 1 मिनट ही भुने, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसे भी निकाल लेंगे। हमारी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है, चलिए अब इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है, इसमें अब हम लोग 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। गैस का फ्लेम हमारा हाई ही रहेगा। अब इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग 2 तेज़पत्ता डालेंगे। गैस का फ्लेम लो रख लेंगे और 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, इन दोनों चीज़ों को चटकने देंगे। दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से चटक गई हैं। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे। अदरक लहसुन हमारा थोड़ा सा भुन गया है, अब हम लोग इसमें अपना पिसा हुआ मसाला डालेंगे। मेरे को मसाला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं थोड़ा बचा दूंगी। आप इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मसाला रख सकते हैं, ये सब्ज़ी मसालेदार ही बनती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मसाला लगाया है। इसे अच्छे से लगातार इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। अब हम लोग इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है, ये देखिए साइड से
तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम लोग इसमें अपना 3 बड़ा कटा टमाटर डालेंगे, जिसे कि मैंने लंबाइयों में काटा है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक लिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर के पकने तक इसे इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है, इसी तरह चम्मच के सहायता से इसे थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से मैश हो जाए। साइड से भी देखिए तेल छोड़ने लगा है, मसाला हमारा तैयार होने ही वाला है। इसे और 1 मिनट अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट मैंने इसे और भून लिया है, ये हमारा पूरी तरह तैयार है। चलिए अब हम लोग इसमें अपना फ्राई किया हुआ सारा सब्जियां डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अपना उबला हुआ चना भी डाल देंगे। इसे फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ उबालेंगे हम लोग। इसे भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं आज इसे थोड़ा सूखा सूखा ही बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने 2 कप के करीब इसमें पानी डाला है। और गैस का फ्लेम मीडियम रख लेंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। सब्जी में हमारे अच्छे से उबाल आ चुका है, मैं इसका ग्रेवी इतना ही रखूँगी। आप अगर चाहें तो इसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए मेरी परवल की सब्जी बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। आप इसे रोटी चावल जिसके साथ भी खाना पसंद करते हैं खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।